चलिए भाई साहब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिंदा है सभी? सभी जिंदा है? तुम ऐसे कवरेज के बाहर क्यों बैठे भाई साहब? कनेक्शन नहीं आएगा वाईफाई का, अंदर आ जाओ। चलिए भाई साहब, सो हमने यहाँ पे बात करना शुरू किया था कि सब बोले हमारी जिंदगी में एक आदमी आ गया जिसका नाम क्या है, प्रवीण चौधरी। जिसका नाम क्या है? प्रवीण चौधरी, ठीक है। और ये इंसान का ऐसा कहना है कि बोले मैं क्या करूंगा, मैं बोले अपना एक बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूं। क्या करने के बारे में सोच रहा हूं? बिजनेस। बोले क्या करेंगे अपन? चाय बनाएंगे बोले, ठीक है। चाय तक ही रुकेंगे, मोदी वोदी बनने का नहीं, अपने को पीएम बनने का नहीं, ठीक है। लेकिन सर ये जो बिजनेस करने की बात आपने करी, इसके लिए सबसे पहली बात क्या आती है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक बोले आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अगर बोले आप यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमने यहां पे बात करी कि आपके पास में अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अपने बेनिफिट होते हैं, अपने नुकसान होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, अपनी मर्जी का मालिक, जो करना है वो करेंगे, किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को कुछ दूंगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वो आजकल चल रहा है ना एक नागपुर वाला में, मैं नागपुर का पोट्टा, 30 का खर्रा खा रहा, किसी को नहीं बता रहा, ठीक है, वैसे वाला काम करूंगा बोले, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या आपको इस तरीके से काम करना है? या फिर दूसरा है बोले पार्टनरशिप फॉर्म। सब बोले कई बार ऐसा होता है कि आइडिया शायद आपके अकेले का नहीं है, या फिर आपको यह समझ में आया कि मैं अकेला सारा काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे किसी और के साथ में मिलकर यह काम जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में सोचेंगे। लेकिन ध्यान से, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हो या फिर पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हो, काम आप अकेले करेंगे, और यहां ऐसा माना जाएगा कि बिजनेस और आप दो जिस्म एक जान हो बोले। क्या है आप? जो बिजनेस की लाइबिलिटी वो तुम्हारी लाइबिलिटी, जो बिजनेस का प्रॉफिट वो तुम्हारा प्रॉफिट, दोनों में ही। चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करो, चाहे आप पार्टनरशिप फॉर्म की बात करो, गॉट द पॉइंट। तो भैया रिस्की वाला काम है, थोड़ा देख लेना। सर कौन करता है ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म? जिसको छोटे लेवल पे काम करना है, ज्यादा पैसा वैसा नहीं लगाना है, सर मेरे को पहले मैं छोटे से शुरू करना चाहता हूं, ऐसा जब होता है। और कितनी लाइबिलिटी आएगी बोले? 1 लाख 2 लाख 5 लाख, देख लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गॉट द पॉइंट। तो ऐसे केस में बंदा क्या करेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप और या फिर पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसको बना के चलेगा। फिर उसके बाद में एक आता है आपका HUF। क्या आता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके लिए एक फैमिली में पैदा होना सबसे पहली कंडीशन है। पता लगा अलग अलग फैमिली में पैदा हुए, फिर बोले चल HUF बनाते हैं, पप्पा का राज चल रहा है, HUF बना। कैसे बनाएंगे? गॉट द पॉइंट। एक ही फैमिली में, मतलब ब्लड रिलेशन जो है वो होना यहां पर क्या है आपके लिए? कंपल्सरी। और दूसरी बात यह कि यू शुड बी अ हिंदू फैमिली। कौन सी फैमिली होनी चाहिए? हिंदू चलेगा, सिख चलेगा, बुद्धिस्ट या जैन, ठीक है। ये चार में से कोई भी एक चलेगा, इसके अलावा कोई भी और नहीं चलेगा, गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। फिर उसके बाद में सर बोले हमने कहा एक और ऑप्शन है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बना सकते हैं? सोसाइटी बना सकते हैं सर। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रेडिट सोसाइटी। कौन सा सोसाइटी? महिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, सुना होगा शायद आपने नाम, ठीक है, नागपुर सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, राइट। जब आप जाओगे तो आपको काफी जगह पे दिखाई देगा। या फिर बोले आपके पास में ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो? LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्ट। सर बंदा है मेरा दोस्त पर भरोसा नहीं है उस पर, मैं क्या नहीं करता? भरोसा नहीं करता, मतलब आस्तीन के सांप टाइप का लगता है मेरे को, और आज का कलयुग ऐसा आ चुका है बोले किसी पे भरोसा करने का भी नहीं, ठीक है। तो बोले ऐसे केस में काम करते ना अपन, रखते बोले अपन पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन इसमें लाइबिलिटी अपन क्या कर लेते हैं? लिमिटेड कर लेते हैं भाई साहब। कल को जाके उस पार्टनर ने मार्केट में ऐसा कोई काम कर दिया फर्म का नाम लेके, जिसमें अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी भी लाइबिलिटी आ जाएगी, वो भी अनलिमिटेड। तो हमने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो है उसको अपन यहां पे बना लेते। और या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसकी बात करी अपन ने? कंपनी के बारे में बात करी। हमने कहा सर एक काम करेंगे, कंपनी नाम की जो चीज है ना वो बोले अपन यहां पे बना लेते। सर ये कंपनी बनाने का क्या बेनिफिट है? सर वही वाला जो कि आपका LLP में भी है, उसमें क्या रहता? लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बड़ी बात, अगर मैं कंपनी बनाने के बारे में सोचूंगा तो सबसे पहला मेरे दिमाग पे ऑब्जेक्टिव ये आएगा कि भाई साहब धंधा अलग रखना है, अपने आप को अलग रखना है, जो मेरा है वो मेरा है, जो धंधे का है वो धंधे का। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये अपनी जो एकेडमी है ये कंपनी है,
ये क्या है? कंपनी है। अच्छा, ये माउस किसके नाम पे खरीदा? कंपनी के नाम पे। ये कीबोर्ड किसके नाम पे खरीदा? अच्छा, ये आईपैड किसके नाम पे? ये मेरा पर्सनल है। राइट नाउ क्या मैं ये माउस को यूज कर रहा हूं? यस। क्या मैं ये कीबोर्ड को यूज कर रहा हूं? क्या मैं ये कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं? क्या मैं ये आईपैड को यूज कर रहा हूं? सर, आप यूज कर लीजिए, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जो ये कीबोर्ड है या जो प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की है वो ऑर्गेनाइजेशन की ही रहेगी, उसके ऊपर आपका कोई, मैं सोच रहा था ये बेच देते अपन कीबोर्ड माउस और कंप्यूटर जो है, ये कैमरा बड़ा अच्छा दिख रहा है यार, लेट्स गो टू ओएलएक्स, कैन आई डू दैट? नो। अगर करना होगा तो आपको, सर हमने कहा आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, राइट सर, लेकिन क्या आप अकेले मेंबर है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा आपको? बोले कंपनी के बोर्ड की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उस मीटिंग के अंदर आपको ये एजेंडा रखना पड़ेगा, कैमरा बेचना है। काय के लिए? ऐसी सेक्सी लग रहा था, बेचने दिया जाएगा क्या? नहीं सर। एक आपको जेन्युइन प्रपोजल जो है वो यहां पे रखना पड़ेगा, उसके बाद में आपके मैनेजमेंट में इस बात का डिस्कशन होगा, क्या होगा, और फिर अगर लगता है कि हां दिस इज गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तब जाके ये बात डिसाइड की जाएगी, हां अपने को ये काम करना चाहिए और या फिर अपने को ये काम नहीं करना चाहिए। ये समझ में आया? अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। तो कहने का मतलब मेरा यहां पे ये है कि अगर हम यहां पे बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी में इसलिए शुरू करना चाहता हूं, द रीजन बीइंग मुझे मेरा बिजनेस अलग चाहिए, मेरी पर्सनल चीज जो है मेरे को अलग चाहिए, ताकि हिसाब किताब जो है वो अलग लग रहे। दूसरी बात ये, मेरे को ये पता है कि जिस काम में मैं आज हाथ डालने जा रहा हूं उसमें शायद शायद आगे चल के रिस्क हो सकता है। चाय का बिजनेस मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है सर, डाउटफुल है। क्यों सर? पहले की बात अलग थी, आज के टाइम पे देखोगे इतने सारे चाय वाले आ चुके हैं सर, इतने सारे चाय वाले आ चुके हैं, अमृता चा चाहा, फिर प्रेमा चा चाहा, फिर स्वाति चा चाहा, फिर प्रगति चा चाहा, प्राणा चा चाहा, आज वो देखा होगा ना हमने श्वेता वाला इंस्टाग्राम पे, नहीं देखा क्या? श्वेता है, हाँ वही, ठीक है, श्वेता को बोलना कि म्यूट कर दे, ठीक है। तो अलग अलग चीजें जो है वो चल रही। सो अभी पॉइंट ये, मैंने कहा मेरे को रिस्क लेने का नहीं, रिस्क नहीं लेने का बाबा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने बना ली कंपनी। लेकिन एक सेकंड सर, अभी ध्यान से सुनो सर, कंपनी अगर आप बनाने की बात करो, अच्छा ये ध्यान से, अपन कुछ पढ़ नहीं रहे अभी फिलहाल, अपन क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि धंधा कैसे होता, ठीक है। अगर कंपनी बनाने की बात करो तो एक ऑप्शन आपके पास में है कि आप ओपीसी बना सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास में है कि आप प्राइवेट कंपनी, अदर टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी जो है वो बना सकते हो, या एक ऑप्शन आपके पास में है कि आप क्या कर सकते हो, पब्लिक कंपनी। सर ये हमने बात कर ली थी कि ओपीसी और प्राइवेट कंपनी दोनों लगभग एक ही चीज है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ओपीसी एक ऐसे टाइप की प्राइवेट कंपनी है जिसमें ले दे के एक ही मेंबर होता, क्या करके, ले दे के मतलब मिनिमम मैक्सिमम, गॉट द पॉइंट। प्राइवेट कंपनी अदर वाले की बात करोगे तो लेके दो और दे के 200, मतलब मिनिमम दो और मैक्सिमम कितने, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें ले दे के कितना आदमी, एक ही आदमी रहता, बट है तो प्राइवेट ही ना भाई साहब, है तो प्राइवेट ही। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर ये एक ऐसा फंडा है जो कंपनीज एक्ट 1956 जो पुराने वाला एक्ट है उसमें नहीं होता था सर, ये हमारी कंट्री में, बाहर वाली कंट्रीज में था ये फंडा पहले से, लेकिन हमारी कंट्री में नहीं होता था, ठीक है। लेकिन 2013 वाला जो आपका एक्ट आया, वो वाले एक्ट के अंदर इस चीज को क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है करके। ये समझ में आया? ठीक है। अभी ध्यान से, मैं सोच रहा क्या करने का, ओपीसी बनाऊं कि प्राइवेट बनाऊं या पब्लिक बनाऊं, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अगर मैं अकेला बंदा हूं तो ओपीसी, अच्छा मेरा फ्रेंड भी है साथ में, उसका भी आइडिया था, अभी ऐसे में ओपीसी बनाया तो मार खोपड़ी फोड़ सा लिखा, बराबर ऐसा होगा, राइट? वो बोलेगा वाह बेटा तुम तो बड़े होशियार निकले हैं। चलिए फिर उसके बाद में हमने सोचा, या फिर चलो मान लेते फिलहाल के लिए अपन एक बेसिक लेके चलते कि अपने को क्या करना है, प्राइवेट कंपनी जो है वो बनानी। अंडरस्टूड द पॉइंट सर? प्राइवेट कंपनी बनाने के बारे में मैंने सोचा, जिसमें कि कहा गया कि मिनिमम अगर आप यहां पे मेंबर्स के बारे में बात करते हो तो कितने होने चाहिए,
दो मेंबर्स यहां पे होने चाहिए। क्या हमारे पास में दो मेंबर्स हैं? हमने जवाब दिया हाउ भाई, है हम दो। अगर एक ही होता तो मैं अकेला बना लेता हूं किसी कंपनी, ये समझ में ठीक है। अब लेकिन एक मिनट, क्या नाम रखे? श्रीनाथ चाय वाला, गुप्ता चाय वाला, चौधरी चाय वाला, कंपनी बना रहे। अगर नॉर्मल धंधा शुरू कर रहे होते सर जो रखना रख लो, बोले यस और नो, बाबूराव चाय वाला कुछ भी रख लो आपकी मर्जी, लेकिन कंपनी बना रहे हो सब। कंपनी अगर हम यहां पे बना रहे होंगे तो ऐसे केस में सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आपको नाम जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, यूनिक वाला रखना पड़ेगा। कौन सा रखना पड़ेगा? ऐसा नाम जो कि किसी और कंपनी का नहीं होना चाहिए। अच्छा ध्यान से रिमाइंड करवा, तुम पढ़ नहीं रहे अपन, ठीक है? तो दिमाग पे जोर नहीं देने का, ठीक है, सिर्फ समझने का है कि मतलब यहां पे ऐसा कुछ तो भी अपना टाइम पास चल रहा है, अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं धंधा कैसे होता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? सबसे पहले क्या चाहिए अपने को? नाम। नाम कैसा होना चाहिए सर? यूनिक मतलब दूसरी। मैं क्या सोच रहा था, ये क्या वो लड़की की कौन सी कंपनी है? अबे ये अपना, अबे वो मोटा मोटा सा, अबे ये है ना यार, ये मुंबई में एक वो लंबा सा टावर उसका, अबे ये अपना अंबानी, वो उसकी कंपनी नाम रख लूँ क्या? रिलायंस। ऐसे लाफे पड़ेंगे, बोले कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे रख लूंगी उसका नाम? अरे उसका नाम फेमस है, उसके नाम से अपन फायदा उठा लेंगे। कैन वी डू दैट? सवाल ही पैदा नहीं होता। सर आपकी कंपनी का नाम किस? टेस्ला रखते। टेस्ला नाम की कंपनी इंडिया में नहीं है भाई साहब। आएंगी वो अलग बात है, आने वाली वो अलग बात है, बट फिलहाल तो नहीं है ना। इसके पहले कि वो खुद लेके आए उसको अपन आउटस्मार्ट कर देते, टेस्ला नाम से अपन इंडिया में कंपनी बना लेते। कैन वी डू दैट? क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? इंटरनेशनल तो हम क्या करें, ठेका लेके रखा हमने इंटरनेशनल कंपनी का। कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं ना, कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया में होल ऑफ वर्ल्ड तो नहीं आता ना, तो रख लेते ना। सोचो सोचो, रख लेते ना। दूसरा पॉइंट सर, जो आप यहां पे कंपनी का नाम रखने की बात कर रहे हो वो किसी और का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी नहीं होना चाहिए। कोई डाउट? ये मेरे को बुरा लगता है यहां पे यार, जब तुमको डाउट नहीं आता ना मेरे को बुरा लगता है। पहले दो दिन क्यों टाइम पास किया फिर अपन, अगर तुमको डाउट ही नहीं आ रहे तो? डाउट आने चाहिए सर। जब आपको कंपनी के नाम के लिए, अगर इंटरनेशनल का फर्क नहीं पड़ रहा तो अभी भी तो इंटरनेशनल ही है ना, बाहर का ही है, इंडिया का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क थोड़ी है। तो अभी ध्यान से सुनो, नाम सुना WTO है? क्या बात कर रहे हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी वो ओबामा ने प्लेन मारा था, सॉरी ओसामा ने प्लेन मारा था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है सर। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं, हड्डी कितनी है शरीर में? 200, उसमें से तीन कम कर दो, 203 क्या है कंट्रीज हैं। लेकिन ध्यान से, अगर मैं WTO के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड कंट्री के बारे में बात करूं, UN के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड कंट्री के बारे में बात करूं, तो 195 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं? 195 कंट्रीज के बीच में समझौते किए गए हैं अलग अलग चीजों को लेके। संतरा कहां का फेमस है? क्या बात कर रहे हैं, एक बार मैं इटली में गया था तो उधर में संतरा रखा हुआ और उसमें उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ, क्या प्राउडली मेड इन इटली। ये तीचा माइला कुछ तो भी बात कर रहे क्या इधर, ये तो हमारे नागपुर का है। मैंने कहा समझ रहे क्या? कैन दे डू दैट? नहीं। अगर नागपुर से एक्सपोर्ट करके वहां लेके गए, स्टिकर लगा दिया क्या प्राउडली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया और कल्टीवेटेड इन सॉरी इटली, सॉरी दे कैन डू दैट। क्यों ऐसा सर? एग्रीमेंट बने हैं, तीन मेन एग्रीमेंट है, वैसे तो बहुत सारे एग्रीमेंट है, तीन मेन है। कौन से? एक का नाम है GATT। क्या नाम है? GATT, जो भी ट्रेड वगैरह होगा उसको लेके एग्रीमेंट। दूसरा है GATS, क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड टू सर्विसेज। गुड्स को लेके GATT है, सर्विसेज को लेके GATS है, और एक है TRIPS।
याद नहीं करने का, पहले बता चुका हूं मैं, जब आपको सब्जेक्ट का याद करने का आएगा ना तो दिमाग पे जोर देना, अभी मत बोलिए सर ये क्या टिप्स कर रहे हो, बोले आप कुछ नहीं समझ रहा बोले हमको, ठीक है, सिर्फ एक्स्ट्रा का नॉलेज जो वो आपको दे रहा हूं। ट्रिप्स सर, ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कौन से प्रॉपर्टी राइट्स सर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कौन सा इंडिकेशन, जियोग्राफी, नागपुर इज अ जियोग्राफी, ठीक है सर, बोले उसको संतरा जो है वर्ल्ड फेमस, कहां का है, नागपुर का, वर्ल्ड फेमस, नागपुर से 99% संतरा जो है क्वालिटी वाला वो क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट, खाली 1% रहता है जो या तो नागपुर में रहता है या फिर इंडिया के अदर पार्ट्स में जाता है, बाकी पूरा एक्सपोर्ट होता है, गॉट द पॉइंट। तो कोई भी कंट्री किसी भी जगह की क्या नहीं कर सकती, संतरों को यहां से इंपोर्ट करके ये नहीं दिखा सकती कि मेड इन और प्रोड्यूस्ड इन ओवर देयर, ये समझ में आया, कभी आपने देखा मोबाइल वगैरह पे मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान स्टिकर लगाते हैं, क्या जरूरत है बताने की, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ताकि ये समझ में आए कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कहां से आ रहा। अभी देखो नया खेल चालू हो गया, अब जाके कोई भी फोन उठा के लेके आओ उस पे लिखा हुआ मिले मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, शेयर बना हुआ मिलेगा उसके ऊपर, पगले बना रहे हैं चाइना से ही आ रहा है एक्चुअली सर, ऐसे क्यों दिखा रहे, ताकि उसको लाने में कोई दिक्कत ना हो, उसमें ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वहां पे वो स्टिकर लगा दे। लेकिन कहने का मतलब मेरा क्या है कि सर इंटरनेशनल लेवल पे क्या बने हुए हैं, एग्रीमेंट बने हुए हैं, उसमें से एक पॉइंट आ गया ट्रेडमार्क, सर टेस्ला इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और ऐसा एग्रीमेंट है सारी कंट्रीज के बीच में कि जो यहां पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, जो वर्ल्ड में फॉलो किया जा रहा है वो आपकी कंट्री में भी फॉलो किया जाएगा, इट कैन नॉट बी कॉपीड, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो भाई सब सोच समझ के आपको यहां पे क्या करना है, आपको यूनिक नाम जो है वो रखना है। अब मैंने सोचा भाई साहब यूनिक नाम जो है वो आ रहा पीसी बाबा चाय वाला, ठीक है, जस्ट एक बता दूं, मतलब थोड़ा सा अगर थोड़े पहले की बात करेंगे तो थोड़ा प्रवचन वगैरह ज्यादा देता था मैं, तो एक दो बच्चों ने बोल दिया सर आप तो बाबा हो, आप तो बाबा हो, फिर बच्चों ने एक दो बार बोल दिया पीसी बाबा, पीसी बाबा, मैं कहा तथास्तु, तो तब से नाम ही चल गया पीसी बाबा, ठीक है। तो भाई चलो पीसी बाबा चाय वाला कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, तो पीछे में नाम आ जाएगा क्या, प्राइवेट लिमिटेड, अंडरस्टूड द पॉइंट। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन ये नाम मिलना चाहिए, ये नाम जो है वो मिलना चाहिए, क्या ठीक है, मान लो मिल गया नाम, ठीक है। नाम मिल जाने के बाद में आपको क्या करना होगा सर, आपको ना यहां पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा सर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, जिसमें से एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर ये क्या बीमारी है सर, ध्यान से, पहला क्या है मेमोरेंडम ऑफ, सर ये क्या होता है, हमारे कंट्री में क्या होगा क्या नहीं होगा किस पे डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या मैं उसको फाउंडेशन बोल सकता हूं, फाउंडेशन का मतलब होता है नीव, गॉट द पॉइंट, कोई भी घर जो होता है वो किस पे टिका होता है, फाउंडेशन पे, कंट्री किस पे टिकी है, कैन आई से इट इज अ फाउंडेशन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का फाउंडेशन है, वैसे ही मेमोरेंडम जो है वो कंपनी का फाउंडेशन है, गॉट द पॉइंट। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, कंपनी कैसे काम कर सकती है, कंपनी कैसे काम नहीं कर सकती है, सारी बातें कहां लिखी होंगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसमें लिखी है, क्या मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बोल दूं, ध्यान से रट्टाफिकेशन नहीं करने का, जो नोट्स में लिखा हुआ है वही पढ़ के नहीं चलने का, नोट्स में लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, तो अबे चार्टर का मतलब क्या हुआ, फाउंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशन बोल दो, फाउंडेशन बोल दो, चार्टर बोल दो, नींव बोल दो, एक ही बात है मेरे भाई, कोई अलग नहीं है, ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा फिर क्या आया दूसरा डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर ये क्या होता है, बायलॉज, कौन सा लॉज, मतलब ये क्या, अरे बायलॉज मतलब इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन से रूल रेगुलेशन सब, बोले हमारी कंपनी के अंदर हम कैसे काम करने वाले, कंपनी के शेयर्स कब इश्यू किए जाएंगे,
कंपनी की मीटिंग वगैरह जो है वो हम लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, मीटिंग के अंदर कितने लोग, मतलब अगर एक्ट ने कुछ और बोला होगा वो तो हम फॉलो करेंगे, बट उसके अलावा हम भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रॉपर सिस्टम जो है ना वो बनाते बोले अपन लोग, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से पूरा काम जो है ना वो किया जाएगा हमारे यहां पे, ऐसा हमारा सोचना है। ये समझ में है? तो उसे आप नाम क्या देंगे भाई साहब? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह जो है ना वो बोले आपको यहां पे बनाने। ये समझ में है? ठीक है भाई साहब। अच्छा, तो ये दो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बनाने पड़ेंगे, और इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसके पास में? आरओसी। सर ये कौन है सर? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सर ये मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसके जगह पे वर्ड लिख सकता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ या ना? रॉन्ग आंसर्स आर ऑलवेज एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से गलत जवाब भी दिया तो भी चलेगा। कहने से आरओसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ 99% बच्चे यहीं पे मात खाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब बच्चों को पढ़ा दिया कि आरओसी के पास में जाना पड़ेगा और कहीं पे लिखा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया, जैसे अगर लिखा हुआ है यहां पे कि किसके पास जाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मैंने क्या लिख दिया? आरओसी के पास। तो बच्चा क्या बोलता? सर 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 गलत हो गया सर। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? सो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, आपके नोट्स में आरओसी लिखा हुआ है। या सर आपके नोट्स में आरओसी लिखा हुआ है जबकि बेयर एक्ट में आरडी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर, आरडी मतलब। अरे भाई अगेन, जो बच्चा आंखों पे पट्टी बांध के घोड़ी की तरह सीधा चल रहा है उसके लिए सब तीनों चीजें क्या हैं? अलग अलग। गॉट द पॉइंट? लेकिन अगर जो बच्चा दिमाग लगा के पढ़ाई कर रहा है उसके लिए ध्यान से सुनो, सर हमारे लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता ना उसमें क्या आता है? उसमें आती है मिनिस्ट्री। क्या आती है? सर लेकिन मिनिस्ट्री जो होती है ना वो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, पूरे कंट्री का काम संभाल नहीं सकती। तो क्या करते हैं सर? बोले रीजनल लेवल पे ना वो लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं? लेकिन सर वो रीजनल लेवल, रीजन मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दीज आर द रीजन, सेंट्रल रीजन। गॉट द पॉइंट? लेकिन सर ये कहते हैं हमें और नीचे स्टेट बाय स्टेट, यूनियन टेरिटरी बाय यूनियन टेरिटरी क्या चाहिए? और लोग चाहिए। अब मेरे को बताओ इनमें से गवर्नमेंट कौन है? इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? एवरीबडी, एवरीबडी सेंट्रल गवर्नमेंट ना। अरे भाई साहब एक बात बताओ, अगर आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो आरओसी के पास में क्या अधिकार है हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का? दिमाग लगाओ। अरविंद पॉइंट? अच्छा नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, हमें तो टैक्स में पढ़ाया गया था कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो सेंट्रल, दैट इज फॉर द इनकम टैक्स एक्ट पर्पस, दिस इज व्हाट कंपनीज एक्ट। ये समझ में आया सर? मुझे पढ़ने के बाद में इतना समझ में आया कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं? सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से तीन टाइप की बॉडीज होती है। कितने टाइप की बॉडीज होती है बेटा? तीन टाइप की। कौन सी? एनी आइडिया? प्राउडली बोलो। नो सर, बोलो। हाँ नहीं, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। वेरी गुड बेटा, बाकी लोग प्राउडली बोलो। नहीं सर, जोर से बोलो सभी, जोर से। इट्स ओके, क्योंकि तुम तुर्रम खान नहीं हो, अभी अभी जस्ट तुम्हारा एडमिशन हुआ है मेरे भाई, इतने जल्दी तुम एक्सपर्ट नहीं बन, तो डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट कि मेरे को नहीं पता। हो बाजू वाले क्या सोचेगा, मैं तो प्रपोज करने वाला था। इट्स ओके, आपको नहीं पता, आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि भाई ने बताया, भाई आपका नाम श्रेयस, जैसा कि श्रेयस भाई ने बताया, एक होता है लेजिस्लेटिव, कौन सा? समझे काय? अरे जो कानून बनाने का काम करती, लेजिस्लेटिव मतलब कानून,
लेजिस्लेशन मतलब कानून, जो कानून बनाने का काम करती है उसे क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है सर। दूसरा आता है जिसको नाम दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कौन सी बॉडी, या फिर जैसा कि श्रेष्ठ भाई ने बताया इसको अपन बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, कौन सी बॉडी सर, जो कानून बनाया गया है उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम करती है, या फिर जो मैंने वर्ड यहां पे यूज किया कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव। सर जो कानून बनाया गया है उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो काम करती है ना, उस बॉडी को क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। गॉट द पॉइंट। और फिर तीसरा जैसा कि यहां शेष भाई ने बताया कौन सी बॉडी, जुडिशियल, जुडिशियल बोल दो जुडिशियरी बोल दो दोनों चलेगा। सर कानून बना दिया, लिख दिया कानून में, किसी ने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा, लिख दिया, पर वैसा करने के लिए कोई है नहीं, तो कोई कानून का मतलब है नहीं। क्या बोला गया सर, जो कानून बनाया गया है उसके हिसाब से जस्टिस प्रोवाइड करने का जो काम करती है उस बॉडी को कहा जाता है कौन सी बॉडी, जुडिशियल। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अच्छा सवाल आता है सर ये लेजिस्लेटिव बॉडी में कौन कौन आता है साहब, वेरी गुड बेटा, लेजिस्लेटिव बॉडी में आता है आपका पार्लियामेंट। अच्छा अगला सवाल, ये पार्लियामेंट में कौन आता है, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, वेरी गुड। ये ध्यान से सुनिएगा, यूजुअली लोगों का सोचना होता है कि पार्लियामेंट में दो ही आते हैं, सभा सभा राज्य लोक, बट कितने आते हैं, तीन लोगों को मिला के पार्लियामेंट बनता है आपका। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सर पार्लियामेंट में एक रहता आपका राज्यसभा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्या बोलते हैं इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दूसरा होता लोकसभा, क्या होता, लोकसभा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हैं House of People, very good। और तीसरा बंदा कौन, President। ये समझ में आया क्या, ये तीनों को मिला के क्या बनता आपका, Parliament बनता है। Understood? ठीक। अच्छा दूसरा Administrative Body, कौन सी Body, इसमें कौन आता है, इसमें कौन आता है, हाँ बोलो जोर से बोलो, कौन आता है, मिनिस्ट्री और या फिर डिपार्टमेंट्स, कौन आता है, मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, शायद आपने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का नाम जो है वो सुना होगा, सुना है क्या बताओ जरा, एक आधा शर्माने का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, अनलिमिटेड, मतलब बहुत है सर, काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इनफाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जैसे कि बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अगर बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, अगर बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, अगर बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, अगर बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, अगर बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर बोला मैंने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, अगर बात करोगे तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, गॉट द पॉइंट, अगर बात करो तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बहुत है सर ऐसे बहुत, रेल सर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट, कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट। और सर इनके बीच में एक चांद निकल के आता है जिसको नाम देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, आर यू गेटिंग द पॉइंट सर, हमारे लिए जब आप यहां पे मिनिस्ट्री की बात कर रहे हो तो ये क्या है, खत्म बात, ये समझ में आया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट,
मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट, गवर सर गवर्नमेंट ना, बात ही खत्म हो गई। एवरीथिंग जो भी मिनिस्ट्री यहां पे आ रही है सबकी सब क्या है, गवर्नमेंट। बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन मिनिस्ट्री, दैट इज अ एमसीए डिपार्टमेंट, और वो हमारे लिए क्या है, गवर्नमेंट है। और सर बस इतना फर्क है कि एमसीए डिपार्टमेंट जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम डेलीगेट किया गया है कहां पे, रीजनल लेवल पे, और उसका काम डेलीगेट किया गया है कहां पे, स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे। तो क्या मैं कह सकता हूं सब गवर्नमेंट है? यस। तो ध्यान से सुनो, आगे चल के जब अपन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इसके लिए एप्लीकेशन आरओसी के पास करना, इसके लिए एप्लीकेशन आरडी के पास करना। ध्यान नहीं आया तो स्मार्ट, समझ में आ रहा है? रट्टा नहीं करना है मेरे भाई, स्मार्ट वर्क करना है। अगर दिमाग में नहीं आता है कि यार आरओसी के पास जाऊं कि आरडी के, गवर्नमेंट के पास जाना भाई, गलत नहीं है आंसर, आंसर एकदम सही है आपका, गॉट द पॉइंट। और इसे कहते क्या, स्मार्ट वर्क करना। इसका मतलब ये ना है कि तुम बाढ़ में गए आरओसी आरडी, मैं ना पढ़ रहा आज के बाद, गवर्नमेंट ही पढ़ूंगा बोले मैं तो, ठीक है? तो प्लीज मतलब, और बोले बताया किसने, प्रवीण चौधरी, हमारे अपने पीसी पापा, उनके प्रवचन थे बोले, ठीक है? तो ऐसा उपकार मत करना मेरे ऊपर, राइट? चलिए, तो ये समझ में आया सभी लोगों को? अच्छा, जुडिशियल बॉडी में कौन आता है? कोर्ट्स। अच्छा, कोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, पहले एक सवाल, सिर्फ सिलेबस का पढ़ाऊं कि ये सब पढ़ाऊं? पक्का ना? नहीं, कई लोग ऐसे रहते हैं सर सिलेबस का पढ़ाओ ना, क्या टाइम पास कर रहे हैं, या कई लोग फिर कुछ दिन के बाद आते हैं, आज नहीं तकरीबन 10 12 15 दिन के बाद, सर मेरा दोस्त सो एंड सो जगह पे क्लास कर रहा है, उसका तो 20% कोर्स हो गया सर, आपका तो 5% भी नहीं हुआ सर, ऐसा तो नहीं करोगे ना आगे चल के? हैं, माना कि किसी और का कोर्स हो चुका होगा 20% 30%, या हो सकता है कि महीने भर में कोर्स खत्म भी हो गया हो, पर नॉलेज, ठीक है? कोर्स दो बार खत्म करके दो बार पेपर देने से अच्छा है एक बार नॉलेज कर लेकर एक ही बार में पास कर लें, ज्यादा बेटर है। नहीं तो पता लगा कि एग्जाम दे दिया, भगवान की दया से पास भी हो गए, आप कहीं पे इंटर्नशिप करने गए, नौकरी करने गए, वहां जाके पूछा भाई साहब कोर्ट कितने टाइप के होते हैं, सर एक हाई और दूसरा लो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, चलिए भाई साहब, बाकी अगर आप मेरे को बोलोगे नहीं सर सिलेबस पे स्टिक रहो तो अपन वहीं पर चलते, क्या बोलते हैं, करो? चल, तो ध्यान से भाई साहब, सर अगर मैं यहां पे बात करता हूं जुडिशियल बॉडी के बारे में, कौन से बॉडी के बारे में, जुडिशियल बॉडी के बारे में, तो हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। हमारे कंट्री में कितने सुप्रीम कोर्ट है? ऑब्वियसली सर, सुप्रीम मतलब जब सुप्रीम ही बोल दिया तो बात ही खत्म होगी ना। सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री में सिर्फ कितना है, एक है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा सर, सुप्रीम कोर्ट में ना दो टाइप के जजेस होते हैं, कितने टाइप के, एक होता सबसे बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों, एक ही है ना सर, सुप्रीम चीफ जस्टिस तो एक ही हो सकता है, गॉट द पॉइंट? तो सर सुप्रीम कोर्ट में जब एक ही चीफ जस्टिस है मतलब इंडिया में एक ही है ना भाई साहब, ही विल बी कॉल्ड एज व्हाट, चीफ जस्ट, इज्जत देनी पड़ेगी भाई को, समझ रहे हो बात? ठीक है, दूसरी बात, देयर कैन बी अदर जजेस, क्या हो सकते हैं, अदर जजेस भी हो सकते हैं, अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं सुप्रीम कोर्ट से नीचे जाऊं तो हाई कोर्ट, कौन से वाले कोर्ट, हाई कोर्ट। सर ये कहां होते हैं, स्टेट लेवल और यूनियन टेरिटरी लेवल, ठीक है? यानी कि स्टेट के अंदर एक होगा, हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्या रहेगा, हाई कोर्ट रहेगा, कितने, वेरी गुड। हाई कोर्ट अगर मैं पूरे कंट्री की बात करूं तो कितने हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में, मतलब 25 स्टेट्स है क्या हमारे यहां, तो है क्या बात कर रही, सच्ची बोल रही कि मजाक कर रही, जम्मू कश्मीर को काउंट नहीं करती तुम, है लद्दाख भूल गई तुम, जाना नहीं तुमको उधर,
बाइक राइड पे धुन धुन करते हुए। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के हाईकोर्ट कितने हैं? 25। दिमाग में सवाल आया क्या, ऐसा क्यों? आपने बोला कि हाईकोर्ट क्या करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। सर एग्जैक्टली कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है मेरे को ना पता बोले, पर इतना तो पक्का पता है कि 25 तो ना होते, राइट? तो सर ये क्या क्या खिचड़ी क्या बोले सर ये? तो ध्यान से सुनो भाई साहब, तीन हाईकोर्ट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, कोर्ट का नाम ही क्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। कितनों को रिप्रेजेंट करता है? चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, इट इज अ कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ यूनियन टेरिटरी ऑल्सो। गॉट द पॉइंट? अच्छा सर, एक हाईकोर्ट ऐसा है जो एक ही जगह को रिप्रेजेंट करता है, दिल्ली। ये समझ में आया? कितने बच गए भाई, कितने बच गए? 21। ठीक है, तो 21 हाई कोर्ट्स हैं जो या तो किसी यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं और या फिर किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ में आया क्या? अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है सर। अच्छा, हाई कोर्ट के नीचे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और भाई साहब आपको ना मैं गारंटी देता हूं ये चीज के बारे में, और आप एक काम करना, इसका ना ये कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, बंदा सीए फाइनल पास हो जाता है फिर भी उसको ये ना पता होता कि हाई कोर्ट के नीचे कौन सा कोर्ट आता है। मेरे को भी नहीं पता था, मेरा भी सीएस क्लियर हो चुका था, उसके बावजूद मेरे को ये नहीं पता था कि हाई कोर्ट के नीचे में कौन से वाला कोर्ट आता है। तो अब ये ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास में ये नॉलेज ये लेवल पे आ रहा है, यू आर स्पेशल। ठीक है, ध्यान से सर, हाई कोर्ट के नीचे डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। दो टाइप के कोर्ट्स होते हैं, एक होता है सिविल वाला कोर्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल वाला कोर्ट। कौन से ये क्या बकर है सर, क्या फर्क है दोनों में? जैसे कि फैमिली, ठीक है, और लैंड डिस्प्यूट्स, ठीक है, और क्रिमिनल छोड़ के, क्रिमिनल मतलब मर्डर, चोरी, डाका, रेप, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? अच्छा, सिविल में कुछ और थोड़ा स्पेसिफाई करो ना प्लीज। कंज्यूमर का जो भी प्रॉब्लम होगा, मतलब, अच्छा ध्यान से सुनो सर, क्रिमिनल में वो वाले केसेस जाएंगे जो इंडियन पीनल कोड 1860 के हिसाब से क्राइम है, जिनका नाम आप लोगों ने बताया। ऐसा कोई एक्ट का रेफरेंस दे सकते हो सिविल वाले में? आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक, बोल भाई। ठीक है, कुछ और बताओ, कंपनीज एक्ट के जो केसेस हैं वो कोर्ट्स में नहीं जाएंगे? आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक अ लिंक एंड थिंक, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दो पार्टीज थी, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देयर इज अ प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस नहीं निभाया गया तो उसे क्या कहते हैं? बीच नहीं रे बेटा, ब्रीच। ब्रीच, बड़ी बीच की याद आ रही तुमको, भेजो अभी गोवा, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? लेकिन एक बात बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना क्राइम है? हाँ, अगर फ्रॉड से किया होगा तो, यस और नो? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मैं प्रॉमिस निभाना चाहता हूं बट मैं निभा नहीं पा रहा हूं, काय को लॉकडाउन हो गया, मोदी बोले थाली बजाओ, That can also be the reason, ना? मैं निभाना चाहता हूं बट मैं नहीं निभा पा रहा हूं यार, और मैं जेन्युइनली नहीं कर पा रहा हूं, उसका कारण। लेकिन एक सेकंड, सामने वाला बंदा बोला मैं समझता हूं तेरी बात, नहीं निभा पा रहा है, बट मेरा तो नुकसान हो गया ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तूने क्राइम कर दिया, बट भाई मेरा नुकसान हो गया ना यार, उसका कंपनसेशन दे दे,
सामने वाला ठीक है ले 11 रुपए ले माफ कर, फिर वो आता ना टोपी वाला अभी साल है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सिविल कोर्ट के पास जाएंगे और जाके चाचा ये देखो बोले क्या बोल रहा है 11 रुपए ले ले बोले है 5 लाख का केस, 5 लाख रुपए मेरे को इससे डैमेज जो है वो क्लेम कर रहे हैं, मेरे को क्या बोल रहा है 11 रुपए ले ले, कराओ सर कुछ सेटलमेंट कराओ बोले यहां पे, बराबर है। तो ऐसे वाले जो केसेस है वो कहां जाते हैं, सिविल कोर्ट। लेकिन एक सेकंड सर, सुप्रीम कोर्ट कौन सा लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल मत बोल देना, कौन सा नेशनल। अच्छा हाई कोर्ट स्टेट लेवल, उसके नीचे कौन सा लेवल आता, डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ध्यान से मेरे भाई, अगर मैं यहां पे बात करूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जो सिविल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो क्रिमिनल वाले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको बोलते हैं सेशन कोर्ट। ये समझा, आर यू गेटिंग द पॉइंट। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिविल कोर्ट रहता है उसे कहते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल कोर्ट रहता है उसे क्या कहते हैं, और कई बार आगे चल के शायद आप कभी कोई सिटी में घूमने जाओगे, ठीक है, तो आपको ना एक आधी जगह पे बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। उस दिन पता लगा प्रवीण से को, अरे बेवकूफ बना दिया हमको। मतलब कई बार ऐसा भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ सिटी, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सिटी एज द केस में भी, हो सकता है एक ही प्रिमाइसिस है जहां पे सिविल केसेस को भी एंटरटेन किया जाता है क्रिमिनल को भी, तो उसके लिए दो अलग अलग बोर्ड क्यों लगाए, दो अलग अलग प्रिमाइसिस क्यों करें, एक ही जगह पे बोर्ड लगा दिया दिस इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, दोनों की सुनवाई यहीं पर होती है, इधर ही आ जाना बोले तो। ये समझ में, ठीक है, डन। लेकिन ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसके बारे में, सिविल केसेस के बारे में, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होगा वो कौन से वाला होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, और जो आपका क्रिमिनल वाला कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कौन सा होगा, सेशन कोर्ट। अंडरस्टूड द पॉइंट। अच्छा ये भी ध्यान दो भाई साहब, सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो टाइप के जजेस होते हैं, सॉरी हाई कोर्ट में भी दो टाइप के जजेस होते हैं, कितने टाइप के जजेस होते हैं, कौन से, पर इसको ये मत बोलना चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, क्यों, इसको बोले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट वाले पे बड़ा प्यारा है आपको, उसको इंडिया का बना दिया, इसको स्टेट का क्यों नहीं बना सकते, कौन से स्टेट का, तो ठीक है केरला स्टेट, फिर भी नहीं, क्यों, क्योंकि सर आपने अभी तो बताया 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक यूटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, द रिप्रेजेंट वेरियस स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, इस वजह से, ठीक है सर। दूसरा इनके नीचे और कौन होते हैं, अदर जजेस, गॉट द पॉइंट। सर महाराष्ट्र का भी हाईकोर्ट है क्या, सुना है कभी, नहीं सुना, क्या बात कर रही है, कहां पे, नागपुर में है क्या, क्या है, हमारे यहां बहुत है बेंच, मंजे ब्रांच, बेंच मतलब ब्रांच, ठीक है सर। कई बार ऐसा मिलेगा कि जो आपका स्टेट है उसके नाम से नहीं है, जैसे कई बार नाम से मिल जाएगा कर्नाटका हाई कोर्ट, पूरे कर्नाटका स्टेट के नाम पे उसका नाम रख दिया क्या, लेकिन कई बार मिलेगा मद्रास हाई कोर्ट, कौन सा, मद्रास स्टेट है ना, चेन्नई का नाम मद्रास, तमिलनाडु इज अ स्टेट, गॉट द पॉइंट, या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है कौन सा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, गॉट द पॉइंट। तो जैसे अगर आपने बोला बॉम्बे हाई कोर्ट, कितने बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट के, आइडिया के कोई, एक तो किधर है, दूसरा किधर होना चाहिए, और तीसरा कहां पे है, औरंगाबाद,
गॉट द पॉइंट? तो डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, कहीं पे दो बेंच होंगे, कहीं पे तीन होंगे, कहीं पे चार होंगे, ऐसा भी आपको मिल सकता है। ठीक है, ठीक है सर। खैर मेन चीज ये था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे दो लेवल के आपके जजेस रहते हैं। ठीक है, एक जो आपका लेवल रहेगा उसको आप नाम दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, शॉर्ट में बोल दो डीजे। ठीक है, और दूसरा होता है ए डीजे एडिशनल, कौन सा? लेकिन इनको असिस्ट करने के लिए दे विल बी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक, सेम ऐसे ही यहां पे भी रहेगा कुछ ना कुछ ना, कौन? सेशन जज एंड गॉट इट, और दूसरा कौन सा? असिस्टेंट सेशन जज। ये समझा? डन। अच्छा, फिर इसके बाद में सब बोले अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और सेशन कोर्ट के नीचे की बात करूं तो सर अलग अलग लोकेलिटीज पे अलग अलग टाइप के कोर्ट आपके रहेंगे जिन्हें आप लोअर कोर्ट के नाम से जान सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से जान सकते हैं। कौन से वाला कोर्ट? सबऑर्डिनेट, ठीक है, या फिर लोअर कोर्ट। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं सेशन कोर्ट के बारे में बात करूं तो सर रुक जाओ, उसको छोड़ो, पहले पहले इधर ध्यान दो। ठीक है, लोअर कोर्ट या फिर कौन सा कोर्ट? सब सर एग्जांपल। हां बोलो, वेरी गुड, स्मॉल कॉज कोर्ट, या फिर फैमिली कोर्ट, या फिर एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। अंडरस्टूड द पॉइंट? लेकिन ध्यान से भाई सब, जब आप बात करते हो सेशन कोर्ट के बारे में, किसके बारे में? सॉरी, क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो सर क्रिमिनल कोर्ट के नीचे अगर आप जाते हैं तो एक्चुअली इसके नीचे में जो बंदा आपका रहता है उसको आप नाम देते हैं मजिस्ट्रेट। क्या नाम देते हैं? जज बोल सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। ये समझा? लेकिन हां, जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना वो भी दो टाइप के होते हैं साहब। कितने टाइप के होते हैं? एक आपका होता है जिसे नाम देते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन सा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और दूसरा आपका होता है जिसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे पता नहीं ए आएगा या ई आएगा, माफ कर देना, सीबीएसई मराठी मीडियम से था मेरा तो इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। ठीक है, कौन सा जुडिशियल और तो दोनों में क्या फर्क होता है? हैं रिटायर्ड हो गया फिर जज कैसे करेगा? नहीं, वो आर्बिट्रेशन में होता है, वो अलग ही फंड है। ये अगर वो बंदा रिटायर हो गया तो जज था कहां? वो रिटायर ही अगर हो रहा होगा तो फिर जज कहां बनेगा, समझ रहे हो? यहां तो अपने को चाहिए कि मतलब बंदा जो रहेगा वो एक्चुअल में हो, प्रोसेस में हो, मतलब काम कर रहा हो। तो रिटायर ही होगा तो फिर वो वहां पे जज कैसे बने? वो जो आप जो फंडा बोल रहे हो वो कहां पे रहेगा? जब अपने को कोर्ट के बाहर जो कहानी है वो निपटानी है, क्योंकि सनी देओल साहब ने कहा था कि तारीख फतारीख तारीख फतारीख पागल कर देते बोले, तो एक अलग से फंडा होता है जिसको नाम दिया जाता है आर्बिट्रेशन। बराबर, उसमें क्या होता है, एक बंदा जो एक्सपीरियंस वाला है, उसने काफी सारे केसेस एंटरटेन किए हैं, वो बंदा रिटायर हो चुका है, तुम्हारे मोहल्ले में रहता है, उसको पकड़ के लाने का, ठीक है, उसको बीच में बैठाने का, बंदर बना के, दो बिल्लियां आपस में वहां पर झगड़ा कर रही है कि मेरा ये हक उसका ये हक फलाना ढिमका, तो वो क्या करेगा यहां पर चीजें? और मैं मतलब किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये कहानी है ना बिल्ली और बंदर वाली, जज को आप बंदर बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आया? तो उस हिसाब से यहां पे ध्यान दीजिएगा, जुडिशियल ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि जजमेंट पास करेगा। क्या पास करेगा? जजमेंट पास, जुडिशियल, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव सर वर्ड का मतलब चेंज थोड़ी हो जाएगा सर,
जो चीजों को क्या करवाने का काम करेगा, एग्जीक्यूट करवाने का काम करेगा। ये समझ में आया? लॉ अगर आपको समझना है, फोकस ऑन द वर्ड्स। दो आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, रामायण नहीं है वो अलग, अपना दो ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। ब्रह्मास्त्र क्या है? सबसे पहली बात, फोकस ऑन द वर्ड। वो वर्ड को पढ़ा, उसको समझने की कोशिश करो। वहां पे कहानी समझ गई, आगे पढ़ो ही मत। बच्चे क्या करते हैं, 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ो मत, समझो। वर्ड दिया गया है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट। यार एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है? चीजों को एग्जीक्यूट करना, चीजों को प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है? जो लॉ बनाया गया था उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, काय को एडमिनिस्टर करने का काम करती है। इस वजह से 99% बच्चे क्या बोलते, ऐसे। दूसरा नाम है उसका। अब एक तो क्यों है मेरे भाई, फाइंड इट आउट। अगर आपको लॉ समझना है तो दो ब्रह्मास्त्र में से पहले वाला वर्ड पे फोकस करो, उसको इंटरप्रेट करो। एक वर्ड को अगर आपने इंटरप्रेट कर लिया ना, एक पैराग्राफ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसका मतलब सिर्फ वर्ड को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। यह समझ में आया? दूसरी बात, ब्रेक तोड़ दो, दूसरे की हड्डी नहीं, सेंटेंस को। हर सेंटेंस जो भी आप लॉ में पढ़ रहे होंगे, अगर उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना है तो उसको ब्रेक कर करके पढ़ो, स्लोली। भागने का नहीं है, एकदम ब्रेक करके उसको पढ़ेंगे। सर ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, अच्छा इसमें ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, अरे वीरना पढ़। तब आपको जो लॉ है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पहली बात। दूसरा, मजा आएगा लॉ को पढ़ने में, मजा आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर यही वाली चीज जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं ये नोट में से आपको बता रहा होता, मजा आता क्या? आज आया क्या? अभी मैं पंकज त्रिपाठी हूं, ठीक है, समझा, गॉट इट। चलिए, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर जो जजमेंट पास करने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव जो चीजों को एग्जीक्यूट कर, उसके पास में जुडिशियल पावर नहीं होती। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में क्या नहीं होता? जुडिशियरी पावर जो है वो नहीं होती, जुडिशियल वाले के पास में वो पावर रहती। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन ट्राई द केसेस। क्या बात कर रहा हूं, उसके पास ट्रायल रूम रहता है। ट्राई का मतलब क्या है? केसेस को एंटरटेन कर सकता है। ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, वो भी अलग अलग होते हैं, जैसे आपने यहां पे ये बताया, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करूं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेसिकली अगर बात करेंगे तो चार टाइप के रहते हैं। कितने टाइप के? चार टाइप के। कौन से सर? एक होता है जिसको नाम देते हैं JMFC। क्या? दूसरा होता है जिसका नाम होता है JMSC। क्या? एक का नाम होता है CMM, एक का नाम होता है CM। क्या ही है? ध्यान से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। कौन सी क्लास? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ। अच्छा बच्चे यहां पे क्या करते हैं? पैनिक करते हैं। सर आपने शॉर्ट फॉर्म तो बता दिया, फुल फॉर्म भी बता दो ना। लिखवा सर, लिखवा दो सर, दो मिनट से लिखवा दो। अबे नहीं ना, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? कितने वर्ड्स बच गए? खुद से लिख सकते क्या? यस और नो? बट यू गाइस पैनिक। अरे सर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखवा दिया, उसको लॉन्ग फॉर्म बता दो ना सर। खुद का दिमाग लगाओ, हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद का दिमाग लगा के। अच्छा JMFC सर, यहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। JM जुडिशियल मजिस्ट्रेट, FC फर्स्ट क्लास। उतना तो याद आ जाएगा ना मेरे भाई, है कि गजनी से भी खतरनाक हालत है अपनी, नहीं ना? ठीक, चलिए। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो ये क्या है? आठ, हाई फाइव। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। अगला कौन है? सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। और फिर कौन सा आता है? चीफ मजिस्ट्रेट। कौन से वाला?
अच्छा सर, क्राइम हो गया सर एक आपके शहर में, है मैटर झाला, लोकैलिटी मध्ये मैटर झाला, कुठे जाय चाहता, किसके पास जाऊं, जीएमएफसी के पास, जीएमएससी के पास, या सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, मतलब मैं तो पुलिस वाले के पास जाऊंगा जनता कहां जाएगी, जनता पुलिस वाले के पास जाएगी, लेकिन पुलिस वाला उस आरोपी को कहां लेके जाएगा डिपेंड करता है सर। इंडियन पिनल कोड और एक कोड आपको दिया गया है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें बताया गया है अगर आपका केस ऐसा है, आपका क्राइम ऐसा है जिसमें सजा में आपको इतने रुपए तक का फाइन हो सकता है या इतने महीने की जेल हो सकती है, तो बोले छोटी सी बात है इसके पास चले जाओ। अगर एक लिमिट से ऊपर का होगा तो बोले आपको इसके पास जाना पड़ेगा, अगर उससे भी ऊपर रहेगा तो आप जाएंगे सीधा हाईकोर्ट, ये सॉरी सेशन कोर्ट के पास। सर तो सिटी मेट्रोपॉलिटन, अरे जो मेट्रो सिटीज है ना उसमें रहता है सिटी मेट्रोपॉलिटन, गॉट द पॉइंट, एक सीरीज है क्रिमिनल जस्टिस सेशन टू। दोरे कोई इसको भेजो, इसको कोई जरा, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सीजन टू टू, ठीक है। उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है, याद करना वो वाली जगह पे, वहां पे आएगा, वहां पे पुलिस वाला बोलता है वी हैव टू गो टू सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, लिटरली बोलेगा वहां पे ये वाली चीज, कहां पे जाना है सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में पेशी है बोले उसकी, ऐसा बताएगा वो बकायदा, ठीक है। तो आपका होमवर्क यहां पे बढ़ते जा रहा है, सीरीज आपको देखनी भाई साहब अगर लॉ समझना है तो। ये समझ में आया क्या सभी लोगों को, गॉट द पॉइंट। तो डिपेंडिंग ऑन द सजा केस कहां जाएगा ये डिपेंड करता है जीएमएफसी के पास में, जीएमएससी के पास में, या फिर सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में, और या फिर चीफ मजिस्ट्रेट के पास में। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये होते हैं भाई साहब आपके बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तीन टाइप के बॉडीज जो है वो आपके रहते हैं, गॉट द पॉइंट। एंड सर हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इनमें से कोई भी, इनमें से आरओसी भी क्या है हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, आरडी भी क्या है हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और एमसी भी क्या है हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन कभी होना नहीं। अगर आपको ध्यान आया कि भाई साहब ये वाला काम तो आरओसी के पास में ही करना है, लिख देंगे, नहीं ध्यान आया तो अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए भाई साहब क्या यार धंधा अग्नि बंडित है तुम लोगों ने, हाँ दोनों जगह चलेगा, दोनों मतलब दो अलग मैटर हो गए ना। अब जैसे अगर आप बोल रहे होगे सब बोले कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म नहीं किया, अगर ब्रीच किया गया इट वाज एंटर्ड बाय फ्रॉड, फ्रॉड इज अ क्राइम, गॉट द पॉइंट। तो क्राइम का केस अलग चलेगा और ये वाला जो केस है वो अलग चलेगा, ये समझ में। चलिए ये अपना जो बिजनेस है इसकी बात अपन बाद में करते हैं, मेरे ख्याल से पहले ना अपन इसकी बात कर लेते हैं सिविल वगैरह की, ठीक है। ध्यान से, दो टाइप के कोर्ट्स होते हैं सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, मतलब दो टाइप के केस होते हैं, कौन से, सिविल और क्रिमिनल। आप में से कुछ लोगों को पता होगा ऑलरेडी, नहीं पता है कि नहीं पता है, एनीबडी हैव आइडिया कि सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या फर्क होता है। पब्लिक एट लार्ज को क्यों ऐसा, कैसे, एक मैसेज जा रहा है राइट, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सब बोले अगर मान लीजिए मैं यहां पे बात करूं अबाउट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज रॉन्ग, सर हर रॉन्ग रॉन्ग नहीं होता है जब तक कि वो लॉ के हिसाब से रॉन्ग ना हो, ठीक है। सर रॉन्ग को लीगल लैंग्वेज में आप नाम दे सकते हैं क्या, ऑफेंस, ठीक है। सर ऑफेंस जो होता है ये बोले आपका दो टाइप का हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है,
दो टाइप का हो सकता है, एक आपका होता है जिसको आप नाम देते हैं सिविल वाला रॉन्ग बोल दीजिए, ऑफेंस बोल दीजिए, और दूसरा क्रिमिनल वाला रॉन्ग बोल दीजिए या फिर ऑफेंस बोल दीजिए। सवाल आता है कि सर ये दोनों में फर्क क्या है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो ध्यान से भाई साहब, अगर मैं सिविल वाले रॉन्ग के बारे में बात करता हूं तो इट इज ऑफ प्राइवेट नेचर। कौन से नेचर का होगा? प्राइवेट नेचर का सर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने बताया इट इज अगेंस्ट वन पर्सन और ग्रुप ओनली, ठीक है। जरूरी है कि एक ही बंदे के अगेंस्ट में होगा, दो के अगेंस्ट में भी हो सकता है, तीन के अगेंस्ट भी हो सकता है। हेलो 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 हाँ, तो जिनके अगेंस्ट में हुआ है उनके ही अगेंस्ट में, उसके अलावा किसी और के अगेंस्ट में नहीं। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। दूसरी बात, अगर मान लो ये वाली चीज हुई, अगर सिविल वाला रॉन्ग होता है तो सिविल वाला रॉन्ग जो रहेगा द एग्रीव्ड पार्टी, कौन सी पार्टी, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम फॉर कैन क्लेम फॉर कंपनसेशन। किसकी बात करेगा? कंपनसेशन किस चीज का? जो भी नुकसान हुआ होगा। कई जगहों पे आपको लिखा हुआ मिलेगा डैमेज क्लेम कर सकता है, कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कंपनसेशन मांग सकता है। आप कह रहे हो हाय ये दो चीजें क्या क्या होती है, एक ही बात है। कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कंपनसेशन मांग सकता है, कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा डैमेज मांग सकता है। अबे नुकसान की भरपाई मांग सकता है मेरे भाई, एक ही बात है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा दूसरी बात सर, इट कैन बी ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ, छोड़ो यार, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जगह ट्रस्ट बोल दो। अच्छा ट्रस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है जो आपने एक्सप्रेस किया था, दूसरा होता है जो इंप्लाइड वाला है। यस और नो? अभी आप लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मैं ये माइक फेंक के नहीं मारूंगा किसी के सिर पे। यस और नो? ऐसी मजाक में मैं मारना चाहता भी नहीं हूं, लेकिन ऐसे हाथ से छूट गया मेरा, ऐसे ऐसे करते मतलब जगलिंग करने की कोशिश कर रहा, शो ऑफ, हाथ से छूट गया, माथे में जाके लगा, ये खून की अलग ही पिचकारी निकल रही। होली खेले रघुबीरा अवध में, खून की होली है। कहने से नुकसान हो गया, क्राइम नहीं कर रहा था मैं, किसी को मारना नहीं चाहता, बट वो नुकसान हो गया ना। यस और नो? क्या मैं कह सकता हूं आपका हॉस्पिटल का खर्चा मुझे भरना पड़ेगा, क्यों कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या अपने बीच? ऐसे इंप्लाइड वाले ट्रस्ट का ब्रीच अगर होता होगा उसे कहते टॉर्ट। ज्यादा डीप में चला गया, क्या कहते इसको? टॉर्ट। टॉर्ट इज काइंड ऑफ अ सिविल रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग है? लेकिन इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता लगा रहे, इसके लिए अपने बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था एक्सप्रेस वाला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से, राइट। तो इवन ऐसे वाले जो रॉन्ग है ना वो भी किस में आ जाएंगे? सिविल वाले में आ जाएंगे। इट कैन बी अ टॉर्ट और इट कैन बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने क्या लिख दिया सीधा वहां पे? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर एक्सप्रेस वाला था तो मतलब अपना उसके ऊपर क्या बना हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। अगर इंप्लाइड वाला है मतलब कॉमन सेंस की बात है सर, हर किसी को अपनी पर्सनल आजादी है और मैं आपकी आजादी को भंग नहीं कर सकता। हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ है और मैं आपकी लाइफ में न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकता। गॉट द पॉइंट? अभी जैसे मान लो कि मैं बाहर खड़ा था और आप लोग यहां से जाने की कोशिश कर रहे, मैं अचानक से ठीक है, एक आधे कोई हल्के दिल का बैठा था कर दिए पैर ऊपर, हाँ क्या हुआ? दो दिन के बाद मैं शौक से बाहर आई, पॉसिबल है? यस और नो? क्या मेरा कोई इंटेंशन था आपको ऐसे हर्ट कर? नहीं, बट हो गया ना नुकसान है, वो अखाड़े में एडमिट हो गए, बिल आ गया 6 लाख बिना मतलब में। तो ये नुकसान कौन भरेगा? प्रवीण चौधरी भरेगा। को सर, प्रवीण सर आपने बैटरी किया सर, क्या किया? बैटरी क्या किया?
बैटरी सर ये क्या होता है? हॉक। अबे हाउ, मतलब ऐसा कुछ तो भी करना जिससे कि आप सडनली मतलब एक काइंड ऑफ शॉक आपको लगता है, मैंने आपको टच नहीं किया, मैंने आपको टच नहीं किया, सडनली ऐसा कुछ करना आपको एकदम से शॉक लगा या आपको ऐसा लगा कि मैं आपको मारने वाला हूं, उसे कहते हैं बैटरी, ठीक है? और मार दिया तो असॉल्ट। सुना ये वर्ड तो सुना होगा, अर्णव गोस्वामी जब उसको अरेस्ट किया था तो वो बार बार वहां पे चिल्ला था, आई वॉज असॉल्टेड, मेरे को मारा है पुलिस वालों ने, असॉल्ट किया है मुझे, ऐसा किया वैसा किया, बोला था उसने ये सर नो राइट, तो उसे कहते हैं असॉल्ट करना। Is this point clear? ठीक है। So, कहने का मतलब ये भाई साहब कि अगर मैं सिविल रॉन्ग के बारे में बात करूं तो इट इज बेसिकली वॉट, इट इज बेसिकली अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसके वजह से सामने वाला जो पार्टी ना उसका क्या हो गया है, डैमेज हो गया, उसका कोई नुकसान हो गया, अगर उसका नुकसान हो उसकी क्या करनी पड़ेगी, भरपाई करनी पड़ेगी। Is this point clear? आपका इंटेंशन नहीं था किसी का नुकसान पहुंचाने का, लेकिन हो गया ना, अब क्या करें, सामने वाले का जो नुकसान हो गया है आपको उसका क्या करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? और केस कहां जाएंगे, These cases will be filed in which court? अब समझ में आया सिविल कोर्ट का फंडा, got the point? Done. सिविल कोर्ट। अच्छा दूसरी बात, they are not so serious. In nature. Nature में क्या नहीं है, इतने serious नहीं है सर, ठीक है, it's okay बोले, ठीक है, डैमेज पे कर दो, खत्म है बात, कोई आपको अरेस्ट करके लेके जाने वाला नहीं है, जेल में डालने वाला नहीं, क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगने वाले आपके, गॉट इट, ठीक है। लेकिन दूसरी बात सर बोले, अगर मैं यहां क्रिमिनल वाले रॉन्ग के बारे में बात करूं, कौन से रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग सर, दे आर पब्लिक रॉन्ग, ठीक है, दे आर अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट व्हाट, सोसाइटी और स्टेट, और क्या स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये लॉ मेकर भी ना बड़ा अलग ही मजाक करते हैं, स्टेट का मतलब यहां पे क्या है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, स्टेट का मतलब नॉट एग्जैक्टली गवर्नमेंट, इट इज अगेंस्ट द कंट्री, हम सब मिला के क्या है, स्टेट ही तो है ना हम लोग, गॉट द पॉइंट। तो ये वाले जो केसेस होते हैं इसको सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं माना जाएगा, इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द सोसाइटी, सोसाइटी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, स्टेट। वापस से क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 1 और 2 दोनों देखना आप, उसमें आपको मिलेगा मतलब जैसी कोर्ट में एंट्री होती है, जज साहब वहां पे खड़े होते हैं, बाकी सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में बोले आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए, तो जो बाजू में वो टाइपराइटर पे ठट्ठर करते बैठता है वो वहां पे अनाउंसमेंट करता है, क्या सोएंसो पर्सन वर्सेस स्टेट की कार्रवाई शुरू की जाए, लिटरली बोलेगा वो सोएंसो पर्सन, मतलब उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम उसका, वो वर्सेस स्टेट की कार्रवाई जो है ना उसको शुरू किया जाए, ऐसा बोलता है, स्टेट बोलता है वहां पे वो बकायदा, अंडरस्टूड, जहां स्टेट वर्ड यूज किया वो क्या है, क्राइम है सर। अच्छा ध्यान से, मैंने ये नहीं बोला स्टेट ऑफ कर्नाटका, मैंने ये नहीं बोला स्टेट ऑफ केरला, मैंने सिर्फ स्टेट बोला, पता लगा जब कंपनी लॉ में केस लॉ आ रहा है वहां पे लिखा हुआ है सो एंड सो पर्सन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सर क्राइम, सर क्राइम, सर दैट इज नॉट, स्टेट मतलब सोसाइटी, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट मतलब कंट्री, यहां पे ये समझा। अच्छा फिर उसके बाद में अगेंस्ट द सोसाइटी, फिर यहां पे द ऑफेंडर will be punished, जिसने offense किया होगा will be punished either with fine or imprisonment or what, imprisonment or both, ठीक है, या तो सिर्फ fine हो सकता है या फिर jail होंगी, ठीक है, और या फिर क्या रहेगा, दोनों के दोनों रहेंगे, राइट। ये वाले केसेस कहां एंटरटेन किए जाएंगे, सॉरी कौन सा कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट बोल दो, सेशन कोर्ट बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है ना, सेशन कोर्ट इज आल्सो व्हाट, क्रिमिनल कोर्ट, राइट। तो क्रिमिनल कोर्ट में इसको क्या किया जाएगा, एंटरटेन किया जाएगा, ये समझ में आया।
ठीक है, एंड दे आर वेरी सीरियस इन नेचर। क्या रहते हैं ये? वेरी सीरियस इन द नेचर, ये समझ में आया? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सब बोले क्रिमिनल केसेस वगैरह जो, उनको कैसे एंटरटेन किया जाएगा, वो बोले सीआरपीसी 1973 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? और ये सीपीसी 1908 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, क्या है फुल फॉर्म? सिविल प्रोसीजर कोड, और सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, वहां पे लिखा हुआ। ये समझ में आया क्या? अच्छा, इससे ना एक बात और ध्यान में आई, ध्यान दीजिएगा सब बोले हाई कोर्ट जो है उसके पास में सिविल केसेस भी एंटरटेन कर सकता है और ये क्रिमिनल केसेस भी एंटरटेन कर सकता है। सेम ऐसे अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सिविल केस को भी कर सकता है और क्रिमिनल केसेस को भी एंटरटेन यहां पर किया जा सकता है। ये समझ में आया क्या भाई साहब? नोट करना, ये कर लो डन, फिर आज के लिए इतना ही।